आयुर्वेदिक टेक? बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमको तो मंदिर चाहिए, राम मंदिर। कहां चाहिए? अयोध्या में। बोले हां मैं लगवा देता हूं। उसी राजीव गांधी ने अपने एक मिनिस्टर को भेजा, जाओ फैजाबाद की कोर्ट में अर्जी दो। सुबह 10 बजे अर्जी देते हैं, 4 बजे फैसला आ जाता है, 7 बजे मंदिर के दरवाजे, मस्जिद में मूर्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, पूजा पाठ होने लगता है, टेलीविजन दूरदर्शन दिखाने लगता है। अरे एक दिन में फैसला, जो इतने सालों से रुका पड़ा था। फिर भेजते हैं बूटा सिंह गृह मंत्री को, जाओ नींव रख दो संगे बुनियाद, मंदिर बनना शुरू हो जाए, हिंदू भी खुश हो जाएंगे। अरे ये कौन सा नाटक हो गया भाई? प्रधानमंत्री का यही काम रह गया? बेरोजगारी मिटाओ, सबको बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का इंतजाम करो, सब बीमार को एक जैसी दवाई का इंतजाम करो। तुम्हें क्या पड़ा हुआ है कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, हम इसका भी कर देते हैं, सबकी वोटें बटोर लेंगे, आराम से बटोर लो, वोट बैंक बना लो। तो बूटा सिंह ने जाके संगे बुनियाद रख दी और कहा यहां से मंदिर बनेगा, इतना बढ़िया बनेगा, ये है वो है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया था पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात। अडवाणी ने सोचा यार ये सारे पिछड़े तो हिंदू हैं और इसको ये ले जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा, मैं किस पार्टी का नेता बना रहूंगा, तो कैसे इनको लाया जाए? बोले तेरे पास मंडल है वीपी सिंह, मेरे पास कमंडल है और मैं कमंडल से देखता हूं तेरे हिंदुओं को, मैं इधर ले आऊंगा तोड़ के। और जब रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से, पूरी सरकार हिलने लगी और मुझे बुलाया वीपी सिंह जी ने, क्योंकि मैं मंडल कमीशन का समर्थन कर रहा था, उनकी पार्टी में नहीं था। मैंने कहा अच्छा काम है, पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी इसका भी कोई हल निकालो, इस मंदिर का, ये मस्जिद वाला जो बाबरी मस्जिद। मेरे दोस्त थे सैयद साहबुद्दीन, हमारी पार्टी में थे चंद्रशेखर जी के साथ, मैं भी और वो भी। तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, जफर याब जिलानी साहब से बात की, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने मुझे बताया रास्ता, कहने लगे मस्जिद की जगह जो है पूरी की पूरी 2.7 एकड़ जमीन है, उसके सामने 65-67 एकड़, लगभग 70 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन दे दीजिए इनको। जब अडवाणी जी रथ यात्रा में बैठ के दिल्ली आए, इधर आने से पहले पटना के बिहार में घुसने से पहले, पटना में घुसने बिहार में घुसने से पहले तो लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। जब वीपी सिंह जी आए और कहने लगे ये क्या क्या समाधान है, तो हमने वो नक्शा खोल करके बताया उनको कि देखिए ऐसा ऐसा भव्य मंदिर बन सकता है, आप ले लीजिए जितनी जमीन चाहिए, 2.75 एकड़ को छोड़ के और 30 एकड़ ले लीजिए, 35-40-50 एकड़ ले लीजिए। तो अडवाणी जी मुस्कुराए और बोले मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं राम का एक और मंदिर बनाने निकला हूं, आपने मेरा नारा नहीं सुना? हमने कहा उनसे एक बार फिर बताइए क्या है नारा। कहने लगे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलने लगे वहीं का मतलब समझिए। हमने कहा वहीं का मतलब तो अयोध्या में। बोले ना वहीं का मतलब है वो जो बाबरी मस्जिद है उसके बीचों बीच में 4 फुट बाई 4 फुट का जो मिंबर होता है जिसपे खड़ा होके इमाम खुतबा करता है, वहीं ठीक उसी जगह पर राम जी पैदा हुए, रामलला उसी। तो हमने उनसे पूछा अडवाणी जी से पूरी विनम्रता से कि महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपा सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी 1528 में। अडवाणी जी ना आप थे ना मैं था ना कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में प्यार से मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को ये मंजूर नहीं है, उनको राजनीति करनी है।
उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी, इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए, उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके चार बच्चे शहीद हुए दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, किसी को नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे, तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी से अभी लखनऊ की बहुत बड़ी रैली में मैंने खड़े होकर के पूछा, 50,000 की भीड़ में मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी आप तो योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और आप कह रहे हैं राम का मंदिर बनाना है, तो राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर तो बंद कर दो, रम के मंदिर तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हो और कह रहे हो राम का मंदिर बनाएंगे, कैसे बनेगा राम का मंदिर? तो ये सारी की सारी चीजों को यदि हम और आप मिलकर के ईमानदारी से सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे चलेंगे, और उसके लिए हमें अहद करना पड़ेगा, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए।